सवाल वही वाला है जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, मैं समझ गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज मी, लिंक रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टार्टिंग को। चलो दोबारा करते हैं, ठंडा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड दिस इज मी। पता नहीं क्या था यार, मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि कौन है आज की सेलिब्रिटी, नीलम मोनी। हाय नीलम, कैसी हो? रेडी हो गई? बिल्कुल ठीक। हम शूट स्टार्ट करने वाले हैं और नीलम जो है सीन के लिए रेडी है। और ये देखें, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं सुमैया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने हमेशा से नीलम को एक बात बोली है कि नीलम को मेकअप कर दो तब भी फर्क नहीं पड़ता, नया करो तब भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो लगता है इनको मेकअप करना ही नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती, इनको क्या करना चाहिए, समझ रहे हो? थैंक्स। हाँ ये वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि जरूरत ही नहीं। और मैं, मेरे ख्याल में मैंने जीरो मेकअप यूज किया होगा, आधी ड्रॉप फाउंडेशन और वो जो मेरा जो पैलेट था ना उसमें से मैंने यूं करके फिंगर करके कर दिया और बस। हमारा शॉट रेडी हो गया, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, नीलम रेडी हो चुकी है, फिर वहाँ का सीन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। A few moments later, हम सीन की सेटिंग हो रही है, कैमरा लग चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, लाइन याद की है। हाँ जी नादिया, बहुत मासूम सा एक्टर है बेचारा, इसको अभी नीलम ने बहुत डांटा। हमको जिंदा मत छोड़ो। अच्छी अच्छी लाइंस देनी है तुम लोग, समझ गए ना? फिर अगले सीरियल में नहीं लूंगा। okay. ये देखें, डीओपी हमारा लाइट के नीचे दबा हुआ है। गजब बेइज्जती है। दो साल में आप लोगों से मुंह नहीं मिल सका, जो कल का ग्रेजुएट लड़का बन गया। कितनी उम्मीदें थी मुझे आप लोगों से, क्या किसी के पास खास जैसा दिमाग है? जीरो की। A few moments later. भाई इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स थी डायलॉग की, और जो फर्स्ट टेक में जो ये लड़की लाइन्स दे रही है ना, टिका के अभी इसने अपने सारे ऑफिस स्टाफ को डांटा है। शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, जीरो क्रिएटिविटी। बहुत मजा आया, बड़ा सीन था, बहुत सारी लाइन्स थी, लेकिन वन गो में सारी कर दी। थैंक यू। तो हम लोग कर रहे हैं अब अगले सीन की तैयारी, फिर वो दिखाते हैं क्या हो रहा है। नीलम अपना नेक्स्ट सीन पढ़ेगी अभी, दे रहे हैं कि और नेक्स्ट सीन का ड्रेस क्या है वो अभी मेरी टीम बताएगी। वन आवर लेटर, कितने सीन रह गए? वन, आज के लिए एक सीन। कैसा लगा मेरा मजाक? वो ये कि हम सुबह से बैक टू बैक कर रहे हैं और नीलम की जो एनर्जी है वो ड्रेन हो चुकी है। कितने सीन कर लिए नीलम? एनर्जी है लेकिन 10 बजे के बाद एक्टिंग नहीं होती, फिर मैं बहुत भूल जाती कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन फिर भी हम सुबह से लगे एक्टर हो ना, तो मुझे तो भी नहीं समझ आ रही थी कि एक्टर है या ये एक्टिंग हो रही है। फिर मैं बस 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग हूँ, फिर मैं नीलम बन जाती यार। ऑटो पे क्या करूँ, थक गई है। ब्लैक कॉफी पिलाएंगे, रेडबुल के कुछ भी, पांच कैन पिलाएंगे, फिर ऐसी एनर्जी आएगी कि बस, समझ रहे हो? वो सब भी रात को 10 बजे से पहले पहले तक काम करती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ओनली चॉकलेट्स, सिर्फ ब्लैक कॉफी पीती रहती है। ब्लैक कॉफी एनर्जी आती है ब्लैक कॉफी से, दिन में 10 बजे के बाद। आप लोग भी अगर नहीं साथ ऐसा ना होंगे ये मेरे साथ ऐसा है। नीलम ही कहना चाह रही है कि 10 बजे के बाद ब्लैक कॉफी पीते रहो। हाल ये है कि इतने कोई लाखों हजारों नीलम के फैन हैं। अब नीलम ये बताओ, सबसे अच्छा फैन कौन सा लगा जिसने बहुत अच्छा सा मैसेज किया हो, जिससे पूरा दिन खुश हो गया हो तुम्हारा? कभी याद है कभी कोई ऐसा फैन मिला? बहुत चंगा ना, मैं मिलते तो बहुत हूँ। सच्ची बात बताऊं? हाँ सच्ची। जो बुजुर्ग रोड पे मिलते हैं ना, वो बहुत दुआएं देते हैं, वो याद है। सुबह सवेरे जब सेट पे आने से पहले मुलाकात होती है ना लोगों से, तो वो जो दुआएं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सब लोग भी अपने घर से निकलते हुए अपने बुजुर्गों की दुआएं लें। ओके। और जो रोड पर लोग खड़े होते हैं उनसे सलाम दुआ जरूर किया करें, इसमें ये बड़ी अच्छी बात की। बहुत, मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी मिली। A few moments later. Roll. 5, 6. Action.
अगेन सीन नहीं हो रहा, थक गई है, खत्म, कट, ओके। वन आवर लेटर A few moments later. गाड़ी चल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कैसे चली। A few moments later. देख रहे हैं आप आउटडोर में कितनी मेहनत होती है। नहीं, सीन शूट वहां हो रहा है, उधर भी दिखा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। गर्मी में पूरे स्टाफ के साथ, पूरे क्रू के साथ ऐसे जमीन पे भी बैठना पड़ता है। ये है हमारी लाइफ। The next day. नीलम हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम इस वक्त शारा फेस्टिवल पे हैं और हमारे पीछे कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। नहीं, हमारे पीछे आवाम है, बहुत सारे लोग हैं और हम हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? आज कोई डेट 29th August है आज और हसीन मौसम। जी हाँ, हमारे पीछे और कोई लोग नहीं है, हमारे अपने ही लोग हैं। क्या क्या बोला तूने? पीछे से हॉर्न की आवाज भी आ रही होगी। रिकॉर्डिंग कर लें पहले, ये अपने शशके पूरे कर लें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो नीलम मौसम अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यस यस, इट्स ब्यूटीफुल हसीन। तो हम इसी मौसम में जाके अपनी शूटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कि नीलम, सवाल वही वाला है जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, मैं समझ गई। कौन सा वाला? मुझे पता आप क्या पूछने लगे। सब पूछ रहे हैं शादी कब होगी। कौन है ये लोग, कहाँ? शादी में इंटरेस्टेड नहीं है ये लड़की, समझ रहे हो? और ये कह रही है कि कोई अभी तक अच्छा मिला नहीं। बहुत चंगा ना मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग मुझे मिले। हाँ, लेकिन कह रही है अभी मैं काम करना है। नहीं, अभी यार आई डोंट नो। चलो एक इम्पोर्टेंट सवाल, टमाटर क्या किलो मिल रहे हैं इसको? 400। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी। मैं झूठ नहीं बोल सकती। क्या मैं क्या बोला तूने? क्योंकि मैं आज सुबह उठा हूँ तो फिर मैंने जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी, उसमें मैंने देखा कि लाहौर में टमाटर 500 रुपए किलो मिल रहे हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो। हाँ, तो तुम अभी जब घर जाओ तो लेती भी चल जाना, 4-5 किलो लेके स्टॉक कर लेना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। 500 रुपए किलो कौन लेगा? 150 रुपया देगा। A few moments later. और जो प्रेजेंटेशन वो दूसरा सीन है जिसमें प्रोजेक्टर में प्रेजेंटेशन चल रही होती है, वो कह रही होती है कि पहाड़ से डर। अब आप ये देख के देखेंगे, थोड़ा सा खुश होंगे कि हाँ जी काम है। शूटिंग का हमारा ब्रेक हुआ है और इस लंच ब्रेक में नीलम आपने लंच किया? नहीं, लंच कर लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। क्या खाया आपने? मैंने तो बहुत कम खाया क्योंकि मैं बहुत कम ही खाती हूँ, बट थैंक यू, वाज लवली फूड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो लंच ब्रेक खत्म हो रहा है, हम दोबारा से कैमरा रोल करते हैं। ओके, आप रेडी हैं? यस। 1 hour later एस रोल ऑन रेखा एक्शन। कट, ओके, वन मोर टाइम। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। ये था आज का ब्लॉग नीलम मुनीर के साथ और आई एम श्योर कि सब लोगों को पसंद आया होगा। नहीं, और अगर पसंद आया है तो क्या करना है, बार बार कह के थक चुका हूँ, समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को। नहीं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, करते रहना है, बार बार करना है, सबसे करवाना है और रुकना नहीं है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो फिर मिलते हैं जल्दी से किसी और सेलिब्रिटी के साथ। ओके, तब तक के लिए।